कृपा करते हैं तो ऐसी कृपा क्यों नहीं की ये भगवान से क्वेश्चन है कि सब जीवों का उद्धार हो जाए सबको दिव्य प्रेम दे दें सबको माला माल कर दें अपनी कृपा के द्वारा दिव्य प्रेम दे दें तो हम कृतार्थ हो जाए धन्य हो जाए भगवान के पास चले जाए गो लोग ये भगवान ने नहीं किया कोई कह सकता है कि भाई देखो ऐसा है कि अनंत जी महापुरुष पहले हो चुके हैं उन्होंने कानून का पालन किया था भगवान का एक लॉ है अर्जुन से कहा था उन्होंने समोहम सर्वभूतेशु न प्रिया अर्जुन मैं मेरी किसी से दुश्मनी नहीं क्योंकि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता दुश्मनी तो तब होती है ना जब हमारा कोई नुकसान कर सके तो ये जो पॉइंट आप देंगे कि और सब महापुरुषों ने तो शरणागति की तब कृपा किया उनके ऊपर भगवान कहते हैं मैं मैं तो समदर्शी हूं न्यायाधीश हूं जो जैसा करता है वैसा उसको फल दे देता हूं अपने बाप को भी मैं नहीं छोड़ता दशरथ जी को मरना था मरे हमने नहीं बचाया उनको हमारे बाप थे अभिमन्यु को मरना है मरा मैं सामने बैठा हूं और महापुरुष है उसका बाप अर्जुन और शादी कराने वाले वेद व्यास वो भी भगवान के अवतार तीन तीन सुप्रीम पावर और कोई नहीं बचा सका अब आजकल उसकी हालत सीरियस है पंडित जी को बुलाना मृत्युंजय का जाप करे तो वो बच जाएगा और सुनो बेवकूफों को ये पंडित जी के मृत्युंजय के जाप से बच जाएगा वो तो भगवान न्यायाधीश है और ठीक भी है उनका उनको न किसी से कुछ लेना है और न उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है तो फिर वो राग द्वेष करेंगे क्यों ठीक है लेकिन उन्हीं का कानून अब देखो एक जनरल सिद्धांत बताया मैं समदर्शी हूं अब सब सेक्शन आया लेकिन माम भजनते तुझे भक्त्या मई ते तेसुचाप्यम लेकिन अगर कोई मुझको सरेंडर करता है पूर्ण शरणागत होता है भक्ति के द्वारा तो फिर मैं न्याय नहीं करता कृपा करता हूं और कितनी कृपा करता हूं पिछला माफ कर देता हूं अगले का ठेका ले लेता हूं डबल काम यहीं पर ध्यान दो आप लोग किसी जज के आगे कोई मुलजिम कहे ठीक है हमने मर्डर किया है लेकिन की बार माफ कर दीजिए आइंदा से अगर मैं दफा 323 भी करूं तो 302 लगा दीजिएगा मैं लिख के दे रहा हूं जज कहता है ठीक है ठीक है हम तुमसे यही आशा करते हैं कि भविष्य में अपराध नहीं करोगे लेकिन जो किया है उसका फल भोगना पड़ेगा एक बार फांसी होगी उसके बाद अपराध न करना तो दंड नहीं मिलेगा <laughs> वो कहता है सरकार जब फांसी हो जाएगी तो फिर मैं अपराध करने को उन्हें कहा तो फिर तो मजबूरी है कानून है ये जो आप, आप मर्डर किया है उसका दंड भोगना पड़ेगा और हमने तो अनंत पाप किया है अनंत जन्म में अगर उसका फल हमको भगवान भोगवाए तो भगवत प्राप्ति के बाद भी अनंत जन्म लग जाए तब भी पाप समाप्त न होंगे न्याय तो कहता है कि भाई ठीक है तुमने सरेंडर कर दिया अब भविष्य में हम तुम्हारा ठेका लेते हैं लेकिन जो पाप किया है पहले वो वो तो भोगना पड़ेगा भगवान कहते हैं नहीं नहीं वो भी माफ अहम तम सर्व पाप्यो मोक्ष अर्जुन तू डर मत पाप 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 चिल्लाता है मैं सब पाप माफ कर दूंगा सब पाप एक दो दस बीस जन्म के नहीं तो ये कृपा तो ये कृपा का कानून है भगवान का अगर मेरी शरणागति में आ जाए कोई तो फिर उसके लिए वो कानून बदल जाएगा कि मैं समदर्शी हूं फिर वो कानून आएगा कि मैं ठेका लेता हूं पिछला माफ कर दूंगा अगला भी वो पाप नहीं करेगा सब बात बन गई एक कानून है कानून के अंतर्गत है वो कृपा ऐसा नहीं है कि तुलसीदास पे कर दिया सूरदास पे कर दिया कुछ दिमाग में आ गया कर दिया ऐसा नहीं है भगवान खपती नहीं है ऐसे कर दिया अरे देखो हमारे देश में भी प्रेसिडेंट को पावर दी है अपराध क्षमा कर देने की लेकिन वहां भी कायदा कानून है ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट मनमाना <laughs> माफ कर दे लेकिन भगवान के यहां बार सरेंडर किया कि साहब माफ हमारा जो बर्तन है अंतकरण ये दिव्य वस्तु के योग्य नहीं है इसमें दिव्य ज्ञान दिव्य आनंद ठहर नहीं सकता इस बर्तन को पहले शुद्ध करना होगा तो ये शरणागति भक्ति जो कुछ है संत बताते हैं भगवान बताते हैं जो ये केवल यह काम करता है कि हमारे अंतकरण का बर्तन दिव्य बना देता है शुद्ध करके जब बर्तन बन जाता है तब तो भगवान या गुरु जो दिव्य प्रेम दिव्य शक्ति देगा वो फ्री में देगा उसका मूल्य आप क्या देंगे आपके पास तो सब चीज मटेरियल है प्राकृत है इंद्रिया प्राकृत मन प्राकृत बुद्धि प्राकृत शरीर प्राकृत गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जान भाई दिव्य वस्तु आपके पास कहां है जिससे आप दिव्य वस्तु खरीदेंगे तो वो दिव्य प्रेम जो गुरु और भगवान देंगे वो तो कृपा से ही देंगे बिना मूल लेके देंगे खाली बर्तन बनाना है आपको तो आकारण कृपालु है क्योंकि आपने बर्तन बनाया और कहा दे दो निकाल ले लो इसका दाम दाम हम नहीं लेते बस बर्तन लाओ हम दे देंगे बर्तन बनाना इतना सा काम हमने अनंत जन्मों में नहीं किया उसी को भक्ति कह दो साधना कह दो प्रेम कह दो शरणागति कह दो केवल भगवान ही हमारे अंतकरण में रहे संसार न रहे कुछ भी भाषा में बोल दो ये हमने नहीं किया अब तक या टेन परसेंट किया ट्वेंटी परसेंट किया 50 परसेंट किया अरे 99.9 परसेंट भी किया तो भी काम नहीं बनेगा ए है ये पारस है पास में आ गया पास में आ गया पास, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, नहीं छू गया अब सोना बनेगा एक करंट जा रहा है तार में हमने उंगली रखा न छ दो आप खींचे गाओ जदा ही वही तस्मिन नु कुरुते अंतरम अथ तस्व भयम वेद कहता है जरा भी अंतर न रहे शरणागति में आपके मन में संसार थोड़ा भी न रहे ये चार छे तो है कुल जमा टोटल एक तो मां होगी एक तो बाप होगा दो चार छह बच्चे होंगे और है क्या तुम्हारे पास संसार इसी में मरे जा रहे हो छोड़ो ना इनको इनका अटैचमेंट छोड़ो क्यों जिद किए कई दिन करोगे मरना है मालूम है हाँ मालूम है मरने के बाद फिर कौन जाएगा तुम्हारे संसार वालों के पास अरे अंत तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब तुलसीदास ने कहा अरे ये सब तो तुझको छोड़ेंगे एक दिन तू पहले ही छोड़ दे वो हमको बुरा कहेंगे दस एक पॉइंट हमको दुनिया बुरी कहेगी तुमको अच्छा कौन कहता है तुम बेवकूफ हो जो समझते हो हमको लोग अच्छा कहते हैं सब पीठ पीछे बुराई करते हैं तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ तुम्हारा बेटा सब अभी अभी बुराई कर रहे तो वो आ गया अरे आइए श्रीवास्तव जी आइए आइए हेलो क्या एक्टिंग हो रही है तो हमारी जो भूल है अपने को शरीर मानकर शरीर के रिश्तेदारों को अपना मानकर इस भूल को मिटाना होगा आज नहीं कल चाहे जब अनंत जन्म हमने ये गलती की और फिर कर रहे हैं फिर चौरासी लाख में घूमने के बाद कभी मानव देह मिलेगा और फिर यही बात सामने आएगी कोई गुरु आपको बताएगा और फिर आप नहीं मानेंगे इसी प्रकार घुमा करेंगे चौरासी लाख में ये जिद्द काम नहीं देगी कि हम तो अपने मन के अनुसार काम करेंगे जी हम वेद शास्त्र पुराण संत भगवान की बातें नहीं सुनते ठीक है कर्म करने का अधिकार सबको है लेकिन फल भोगना पड़ेगा भगवान के कानून के अनुसार वो नहीं चलेगा वहां कोई मुश्ती नहीं चलती भगवान के यहां वहां घूस दे देंगे वहां ये कर देंगे वहां ऐसा भिड़ा देंगे भिड़ाना उड़ाना कुछ नहीं काम देगा भोगना पड़ेगा इसलिए भगवान अकारण करुण है हमारा काम बर्तन बनाना हम भक्ति के द्वारा अंतकरण शुद्ध करके गुरु द्वारा उसको दिव्य बना करके तैयार कर दे फिर वो भगवत प्राप्ति वाला सामान भगवान गुरु अपने आप दे देंगे और हम कृतार्थ हो जाएंगे